चीनी का कलर सफेद ही क्यों होता है और आउल यानी कि उल्लू रात के अंधेरे में भी कैसे देख पाते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 5, उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसे दिन के बजाय रात के समय में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके कई रीजंस हैं, जिसमें पहला रीजन यह है कि उल्लू की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जो कि उसके शरीर का 5% होती हैं। इसके कारण इनकी आंखें प्रकाश को ज्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पाते हैं। दूसरा रीजन यह है कि हमारे आंख के रेटिना में दो तरह के लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल्स का काम ब्राइट लाइट को सेंस करना होता है और रोड सेल्स का काम डिम लाइट को सेंस करना होता है, और यही रोड सेल्स उल्लुओं में कोन सेल्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं। यही रीजन है कि उल्लू डिम लाइट में यानी कि रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसके अलावा उल्लू के आंखों की पुतलियां भी हमारी आंखों के मुकाबले बड़ी होती हैं, जो रात में कम से कम प्रकाश को भी पर्दे तक पहुंचा देती हैं, जिससे पर्दे पर साफ और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इन्हीं रीजंस की वजह से उल्लू रात के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि या तो वीरान हैं, या तो डरावनी हैं, या तो बेहद ही आश्चर्यजनक हैं। ऐसे ही जर्मनी में एक बेहद ही सुनसान इलाके में एक नदी पर अजीब तरह का पुल बना हुआ है। जर्मनी के क्रोमलाउ पार्क में बने इस ब्रिज को डेविल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल अपने आप ही बना है, जबकि कुछ लोग इस पुल के बनाने के पीछे शैतान का हाथ बताते हैं। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुल अर्ध गोलाकार मेहराब के आकार में बना है। जब इस पुल के नीचे जलाशय में पानी शांत होता है और रोशनी पड़ती है, तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति दिखती है। फैक्ट नंबर 3, 2017 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स को अभी तक का सबसे बड़ा डायनासोर का फुटप्रिंट मिला था। इस फुटप्रिंट की लंबाई करीब 5 फीट और 9 इंच था। ऐसा माना जाता है कि जिस डायनासोर के पैर का निशान ये है, वो डायनासोर आज से करीब 130 मिलियन साल पहले इस धरती पर विद्यमान रहा होगा, और यह फुटप्रिंट अब तक का खोजा गया डायनासोर का सबसे बड़ा फुटप्रिंट है। फैक्ट नंबर 2, यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप गाना सुनते हो और अगर आप किसी गाने को सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप उस गाने को इसलिए सबसे ज्यादा पसंद करते हो क्योंकि वह सॉन्ग कहीं न कहीं आपके जीवन के किसी भावनात्मक घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब उस गाने को सुनते हुए आप उस भावना को फील करते हो। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सभी के घरों में चीनी का इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है। सुबह की चाय से लेकर मिठाई बनाने तक में चीनी का उपयोग किया जाता है, पर आपने शायद ही यह बात सोची होगी कि चीनी का रंग आखिर सफेद ही क्यों होता है। दोस्तों चीनी का सफेद रंग सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होता है। चीनी को सफेद रंग देने में सल्फर डाइऑक्साइड की भूमिका अहम होती है। दोस्तों चीनी मूल रूप से भूरे रंग की होती है और इसीलिए हमें बाजार में दो प्रकार की शक्कर मिलती है, सफेद और भूरी। चीनी का सफेद रंग कच्चे गन्ने से निकाले गए रस में सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाने से होता है। दरअसल वाष्पीकरण के लिए रस को संशोधित करने से पहले सल्फर डाइऑक्साइड को गन्ने के साथ मिलाया जाता है, यानी कि मिश्रण पर विरंजन प्रभाव होता है और इस प्रक्रिया के साथ उत्पादित चीनी सफेद रंग में प्राप्त होता है। लेकिन अगर कच्चे गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड न मिलाया जाए तो चीनी का रंग भूरा होता है। दोस्तों इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही चीनी किसी दूसरे रंग में न ढलकर सफेद रंग में बाहर आती है। इसके अलावा चीनी को बनाने की प्रक्रिया में 23 हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है। चीनी को इसके बुरे प्रभावों के कारण ही इसे सफेद जहर भी कहा जाता है। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि चीनी का रंग आखिर सफेद ही क्यों होता है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही यूनिक और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोज हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।